बार बार की स्थिति अलग अलग राज्यों की जब होती है तो डेवलपमेंट का काम रुकता है। वन नेशन वन इलेक्शन करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार 18 सितंबर 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस ऐतिहासिक कदम से अब पूरे देश की 543 लोकसभा और 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे। यह निर्णय देश के लोकतांत्रिक प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है, जो समय और संसाधनों की बचत के साथ विकास कार्यों में भी तेजी ला सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह निर्णय भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ संसदीय प्रणाली में सुधार होगा, बल्कि देश में एक स्थिर और सुदृढ़ चुनाव प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। मोहन यादव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश के लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूती मिलेगी और यह भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए वादों में एक की पूर्ति है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री ने अलग अलग चुनावों से विकास कार्यों से प्रभावित होने की समस्या को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले चुनाव विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन से इस समस्या का समाधान हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने इस प्रस्ताव को सरकार के सामने रखा था, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह प्रस्ताव आगामी शीतकालीन सत्र में भी मंजूरी पा सकेगा, जिससे देश में चुनावी प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की जनता की ओर से इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत किया और कहा कि इस निर्णय से विकास कार्यों में तेजी आएगी और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नई दिशा का संकेत है। अब इस प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र में अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे। यह निर्णय न सिर्फ संसदीय प्रणाली का सरल बनाएगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी लाएगा, जिससे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रधानमंत्री ने आज अपनी कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी दिलाई। ये अभी तक का इतना बड़ा फैसला है जिसके माध्यम से विकास के मामले में चुनाव की बार बार की स्थिति अलग अलग राज्यों की जब होती है तो डेवलपमेंट का काम रुकता है, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले ही घोषणा की थी, और इसलिए पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के मार्गदर्शन में एक आयोग बना था, जिसने रिकमेंड किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ शीतकालीन सत्र में आने वाले प्रस्ताव को संसद से मंजूरी मिलेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री का ये निर्णय भारत को गौरवान्वित करने वाला है, लोकतंत्र को मजबूत करेगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई।